हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ जो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मेनली हम लोगों को पता है कि हमारा उसमें GSI का 50 मार्क्स का, बाकी हमारी मैथ्स रीजनिंग और 10 मार्क्स की कंप्यूटर रहेगी। पूरी दिल्ली पुलिस को तैयारी करने के लिए कांस्टेबल की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कौन सा मेन आपको टॉपिक्स पे ध्यान देना है, किनका वेटेज ज़्यादा होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ये सारा मैंने टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज YouTube चैनल पे अपलोड कर रखा है। वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि मेनली क्या होता है, हम लोग के पास वास्ट सिलेबस है तो हम लोग समझ में नहीं आता कहाँ से करें, कितना करें, कितना नहीं करें। तो मैंने लास्ट 3-4 ईयर्स का जो एनालिसिस है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो उसमें मैंने डिटेल्स आपको प्रोवाइड करी, तो आप वो ज़रूर देख लेना। क्योंकि मेनली GS में हम बात करें तो GS में हमारा वास्ट सिलेबस सबसे ज़्यादा है, तो आपको मेन फोकस जो करना है वो मैं रिपीट कर दे रही हूँ किसमें करना है। करंट अफेयर्स, क्योंकि उसके 10-12 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर स्टैटिक GK, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और एनवायरमेंटल से रिलेटेड, बाकी हमारे जो इंडेक्स और GDP और जो सेंशन, इनसे रिलेटेड आपको पढ़ लेने हैं क्वेश्चंस। और इसकी क्या स्ट्रेटेजी, इसमें GS में भी कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने, ये सारा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हो। सीरियसली एक्सपीरियंस उसको अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या टॉपिक हमें फोकस करने हैं, और आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो कि जो मैंने टॉपिक्स बताए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितने ज़्यादा पूछे गए हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने, आपको मैंने वो भी बताया है। अब हम ये बताते हैं कि आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं कि आपको करंट अफेयर्स के लिए ये एक बुक ले लेनी है स्पीडी की, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। इसमें क्या है, वन लाइनर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आप इसके अंदर देखोगे तो आपको इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें वन लाइनर करंट अफेयर्स दिए हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी प्रिपरेशन करने में। इसकी अगर आपको PDF चाहिए, कोई सेक्शन की चाहिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि GS हमारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसमें GS को लेकर हम बहुत परेशान हैं, बहुत हैक्टिक है कि कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें। तो सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि GS को आप पढ़कर, लिमिटेड पढ़कर, बाकी आप दो चीज़ों पर अगर फोकस कर लेते हो तो आपको सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। बताऊँ कैसे, ये है रीजनिंग और मैथ्स। क्योंकि GS हम चाहे जितना कवर करें, चाहे जितना पढ़ने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारे एक दो क्वेश्चंस डाउट हो जाते हैं, डाउटफुल होते हैं, या फिर हम उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर हमें ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो दो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस करनी है, वो है मैथ्स और रीजनिंग। कंप्यूटर हमारी 10 मार्क्स की आती है, वो आप कर लोगे। लास्ट एग्जाम की एक बुक आती है, आप उसको ले लो, या फिर एग्जामपुर में जो प्रीति मैम पढ़ाती है आप उनसे पढ़ सकते हो, वो भी पूरा कवर करा रही है कंप्यूटर में कि क्या क्या आपको दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ना है। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी मैथ्स और रीजनिंग, हम मैथ्स और रीजनिंग पे अगर फोकस कर लेते हैं तो यही हमारा बहुत अच्छा वेटेज है। क्योंकि मैथ्स में क्या, आपको 50 में 50 लाने हैं, तो आप क्लास, अगर आप आदित्य रंजन सर की क्लास ले लो, वो बहुत अच्छी है, बेस्ट है, वो आपको बहुत स्कोर इम्प्रूव कराने में मदद करेगी। या फिर अगर आपके पास राकेश यादव सर की क्लास नोट्स है तो आप उससे प्रैक्टिस करो। बाकी रीजनिंग की आप पिनाकल बुक ले सकते हो, अगर आपके पास SSC की है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आप ये पिनाकल की बुक ले लो तो ये भी बहुत अच्छी बुक होती है, इससे भी आप अपनी रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स में, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स में आपको फोकस करना, ये भी मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर चुकी हूँ वीडियो, तो वहाँ से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप GS जिनको प्रॉब्लम कर रही है या GS नहीं लर्न हो रही है, तो वो मेनली करंट अफेयर्स पे फोकस करें, स्टैटिक GK पे फोकस करें, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पे फोकस कर ले, बाकी वो सबसे ज़्यादा फोकस करें रीजनिंग और मैथ्स में। हाँ, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स में अगर आप फोकस कर रहे हो ना, तो आपको कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको मैथ्स में 50 में 50 लाने। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मैथ्स का पेपर होगा उसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स का, तो उसमें भी लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, तो वो लिमिटेड टॉपिक्स आपको मैंने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रखा है कि मैथ्स में भी आपको कौन से लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने, तो आप वहाँ से वो पढ़ सकते हो। मेनली मैथ्स में क्या करना है आपको, जो भी आप बुक से पढ़ रहे हो उसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसकी ट्रिक्स आनी चाहिए, बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। अब हमारे पास जो टाइम पीरियड है ना, उसमें हम यही कर सकते हैं कि मैथ्स में हम ऐसी ट्रिक्स को अपनाएं जिससे कि हम इजीली कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकें। मतलब कि मेरा कहने का सेंस है कि अगर आप मैथ्स में जो भी आप क्वेश्चंस लगा रहे हो उनके कॉन्सेप्ट सीखो, उनकी ट्रिक्स समझो, और आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना भी सीख लेना है। क्योंकि मैथ्स में अगर 15 में 15 आ गए, रीजनिंग में 25 में 25 आ गए, 35 में 35 आ गए, या 50 में 50 आ गए, जो भी हम पेपर देते हैं, मैं उस सब की बात कर रही हूँ, तो हमारा स्कोर इंप्रूव हो जाता है। इसी तरीके से दिल्ली पुलिस में भी आपको रीजनिंग में फुल और मैथ्स
लास्ट में फुल आने हैं, तो जीएस में अगर आपके एक दो अप एंड डाउन में मार्क्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन की श्योरिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आप कंप्यूटर भी लिमिटेड सिलेबस है तो वो भी आप कवर कर सकते हो, 10 मार्क्स से 10 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसकी हमारी यूट्यूब चैनल्स में कई टीचर्स ने कंप्यूटर क्लास शुरू कर रही है, तो वो ले सकते हो, आप वो देख सकते हो, या फिर आप लास्ट एग्जाम की जो करंट अफेयर की बुक आती है आप उससे देख लो, उससे भी आपका स्कोर इंप्रूव होगा, क्योंकि कंप्यूटर हमारा मेनली दिल्ली पुलिस का हर एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक किरण ने हमारी 4 अलग अलग इंडिविजुअल सेक्शंस की बुक दी है, जिसे रीजनिंग जिसकी कमजोर है तो वो रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंडिविजुअल बुक ले सकता है, मास अगर वीक है तो मास की इंडिविजुअल आप दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किरण बुक ले लो, और अगर जीएस वीक है तो जीएस की, और इसी तरीके से कंप्यूटर की। मतलब कि पहले हमारा दिल्ली पुलिस का क्या होता था, एक ही साथ कंपाइलेशन एक ही में आता था, लेकिन अब हर सेक्शन की अलग अलग 4 इंडिविजुअल बुक्स आती है, किरण की अलग आती, किरण रीजनिंग अलग आती है, मैथ्स की अलग आती है, इंग्लिश की, जीएस की अलग आती है और कंप्यूटर की अलग आती है। तो अब अगर आपके मैथ्स वीक है तो आप सिर्फ मैथ्स की वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो तो भी आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से रीजनिंग में भी आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर उसमें जो टाइप वाइज क्वेश्चन आते हैं आप उसको देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, फिर उनका यूट्यूब चैनल या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर बुक से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके ट्रिक सीख लो और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। इस समय हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे वो हमारा स्कोर इंप्रूव करने में ज्यादा मदद करेगी। हम यूट्यूब चैनल में देखेंगे लेकिन लिमिटेड, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं आती हमें सिर्फ वही देखनी है, वही फोकस करनी है। बाकी आप मोबाइल का कम से कम यूज करो और अपनी सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी ही सिलेक्शन दिलाती है। और आप बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, बाकी करंट अफेयर्स आप फोकस करो, करंट अफेयर्स भी हमारे दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आप जीएस के लिए परेशान नहीं हो, आप मैथ्स और रीजनिंग अपनी स्ट्रांग कर लो तो भी आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग में आपको सिर्फ मेन मेन टॉपिक्स अगर पढ़ लेते हो तो भी आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको रीजनिंग और मैथ्स में फिर फुल में फुल स्कोर करने पड़ेंगे, या फिर मैथ्स में 10 में से 12-13 तो स्कोर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। और कंप्यूटर में भी आपको 10 to 8 सेल्फ 10 मार्क्स का पेपर होगा तो उसमें भी आपको 7 to 8 मार्क्स स्कोरिंग श्योर आपको करनी होगी। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप एक बार खुद से सोच के देखो कि आपका सिलेक्शन इजी हो जाएगा, क्योंकि जीएस में वास्ट सिलेबस है, कहाँ से पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि हम लोग रात में पढ़ते हैं शाम को पढ़ते हैं और दूसरे दिन लगता है कि यार ये तो मैं आ ही नहीं रहा, कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। तो स्टडी करने का सबसे बेस्ट वे भी मैं बता रही हूँ आपसे कि आप शाम को मैथ्स और रीजनिंग लगाओ जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस, और मॉर्निंग पे सुबह अर्ली जब उठते हो तब आप अपनी जीएस कंप्लीट करो। जीएस शाम को भी पढ़ो बट मेनली रिवीजन जीएस का सुबह ज़रूर करो। मॉर्निंग में हमारा जो माइंड रहता है वो बहुत फ्रेश रहता है और बहुत अच्छे से हमें याद होता है। ये मैं खुद का भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं शाम को मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी और मेनली जीएस जब लर्न होती थी तो थोड़ी बहुत लर्न कर लेती थी, और बाकी मैं सुबह ज़्यादा लर्न करती थी। इसी तरीके से मैंने इंग्लिश में भी लर्न किया था, वो कैब्स है जो भी मुझे लर्निंग पार्ट होता था वो मॉर्निंग में करती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता था और वो चीज़ें मुझे याद भी हो जाती थी। उस समय हमारा कंसंट्रेशन सबसे अच्छा होता है। तो आप अगर जिन लोगों को लगता है कि मुझे जीएस लर्न नहीं हो रही तो आप कुछ दिन मॉर्निंग में लर्न करके देखो, आपको श्योर है कि बहुत इंप्रूव देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है प्लीज़ आप देखना, आप कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखना कि आपको खुद लगेगा कि हाँ स्कोर इंप्रूव हो रहा है। बाकी जीएस जिनकी अच्छी है ऑल द बेस्ट, वो जीएस में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी जीएस बहुत अच्छी है तो वो जीएस अच्छी है, वो जीएस का रिविजन करते रहें, उसको रिवाइज करते रहें, करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, बाकी मैथ्स और रीजनिंग कंप्यूटर में भी फोकस करें। बाकी प्लीज़ जी जो मैंने दिल्ली पुलिस की कैसे तैयारी करनी क्या करना ये वीडियो जो अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे आप उसे ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही और फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको पहले ही डिटेल्स मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। थैंक यू।